वो कहते हैं ना कि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। तो लास्ट वीक मैंने स्कूल ऑफ रॉक नोएडा में एडमिशन लिया क्लासिकल गिटार सीखने के लिए। वेल, क्लासिकल गिटार ही क्यों, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही मेलो, बहुत ही सॉफ्ट सी है, लेट नाइट वाइब वाली। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द क्लासिकल गिटार जो मैंने वहाँ पे सीखा। तो क्लासिकल गिटार जो है वो एक रेगुलर एकॉस्टिक गिटार की तरह ही दिखता है। इसमें बॉटम के 3 स्ट्रिंग्स हैं वो नायलॉन की बनी होती है, और जो टॉप की 3 स्ट्रिंग्स है वो स्टील की बनी होती हैं। तो जो पहला लेसन मैंने वहाँ सीखा वो ये था कि हम अपने राइट हैंड को यूज़ करके स्ट्रिंग्स को कैसे प्ले करें। क्योंकि क्लासिकल गिटार में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो नायलॉन की बनी होती हैं, तो वी डोंट यूज़ पिक्स, हम अपने फिंगर्स का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए लेट्स सी कि मैंने वहाँ क्या सीखा। आई होप कि आपको ये गिटार के स्ट्रिंग्स और मेरे फिंगर्स प्रॉपरली दिख रहे हों। तो ये जो पहली स्ट्रिंग है इसको हम ई स्ट्रिंग कहते हैं, ये जो दूसरी स्ट्रिंग है इसको हम बी स्ट्रिंग कहते हैं, ये जो थर्ड वाली स्ट्रिंग है इसको हम जी स्ट्रिंग कहते हैं, ये जो फोर्थ वाली स्ट्रिंग है इसको हम डी स्ट्रिंग कहते हैं, ये जो फिफ्थ वाली स्ट्रिंग है इसको हम ए स्ट्रिंग कहते हैं, और ये जो सिक्स्थ यानी कि लास्ट वाली स्ट्रिंग है इसको हम ई स्ट्रिंग कहते हैं। तो फ़र्क ये है कि ये ई स्ट्रिंग जो सिक्स्थ में है वो बेस इफेक्ट क्रिएट कर रही है, और ये जो फर्स्ट में जो ई स्ट्रिंग है वो एक ट्रेबल वाली इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो चलिए लेट्स सी हाउ डू वी प्ले द क्लासिकल गिटार, हम फिंगरिंग कैसे करते हैं क्लासिकल गिटार में। तो ये जो टॉप की 3 स्ट्रिंग्स हैं आपकी, ये प्ले होंगी आपके थंब से, और जो थर्ड स्ट्रिंग है ये प्ले होगी आपकी इंडेक्स फिंगर से, ये जो सेकंड स्ट्रिंग है ये प्ले होगी आपकी मिडिल फिंगर से, और ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये प्ले होगी आपकी रिंग फिंगर से। तो चलिए एक और बार देखते हैं। तो जो टॉप की 3 स्ट्रिंग्स है वो प्ले होंगी थंब से, यानी कि वो ई स्ट्रिंग, योर ए स्ट्रिंग, योर डी स्ट्रिंग, ये थंब से प्ले होंगी। आपकी जो जी स्ट्रिंग है ये प्ले होंगी आपकी इंडेक्स फिंगर से, ये जो बी स्ट्रिंग है ये प्ले होगी आपकी मिडिल फिंगर से, और ये जो ई स्ट्रिंग है ये प्ले होगी आपकी रिंग फिंगर से। तो ये है वो पहला लेसन जो मैंने वहां सीखा कि क्लासिकल गिटार में हम फिंगरिंग कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जो पहली 3 स्ट्रिंग है वो नायलॉन की बनी होती है, और क्योंकि ये स्ट्रिंग नायलॉन की बनी होती है तो हम पिक्स यूज नहीं करते, हम अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। क्योंकि मैं बिगनर हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं वहाँ बैठे बिगनर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ, और मिल के सीखेंगे तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा सीखेंगे। वेल, इफ़ यू लव दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये हम दोनों के लिए एक मोटिवेशन होने वाली है और पर्सनली मुझे अच्छा भी लगेगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप प्लेइंग गिटार। बाय।